नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुख करते हैं खबर की ओर। गढ़वा आजसू पार्टी का नगर सम्मेलन मिल का पत्थर होगा साबित। आजसू पार्टी का गढ़वा नगर सम्मेलन धूमधाम से उमंग वाटिका मैरिज हॉल में संपन्न हुआ। सैकड़ों की संख्या में आजसू कार्यकर्ताओं ने उमंग वाटिका से पूरे शहर में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला व जोशपूर्ण नारों से पूरा शहर गुंजमान हुआ। पुनः मोटरसाइकिल रैली उमंग वाटिका में पहुंचकर सम्मेलन में तब्दील हो गया। सम्मेलन के शुरुआत में नीलांबर पीताम्बर समेत झारखंड के महापुरुषों के तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि आज का सम्मेलन पूरे गढ़वा जिला को रोशनी देगा। हमारी पार्टी आगामी चुनाव में एक बेहतर विकल्प बनेगी। आज हमारे साथ नौजवानों का आकर्षण झारखंड के नव निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि सतीश कुमार, केंद्रीय सचिव सहगढ़वा जिला प्रभारी ने कहा कि आज राजनीति में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी नौजवानों का आइकॉन है। गढ़वा जिले के हर प्रखंडों में हमारी पार्टी के बढ़ते प्रभाव व राजनीति दल के लिए शोचनीय बन गया है। आज तेजी से हमारे पार्टी में आ रहे नौजवानों की अभिनंदन करते हैं, साथ ही इस उम्मीद के साथ गरीब शोषित उत्पीड़ित जनता आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे। आज का सम्मेलन गढ़वा जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। गढ़वा जिले के सह प्रभारी इम्तियाज अहमद नजबी ने कहा कि हमारी पार्टी ही गढ़वा जिले के लूट भ्रष्टाचार अपराध भय के परिपाटी को समाप्त कर एक बढ़िया सामाजिक सांस्कृतिक का निर्माण करेगी। भय भूख और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करेगी। पार्टी के प्रधान महासचिव विकास कुमार ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने झारखंड को विनाश की ओर ले जाने का काम किया। जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन ऐसी सरकार अंधी बन बैठी है, इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, केवल अपना राग अपना डफली पीटने में लगी हुई है सरकार। लेकिन अब आजसू के पार्टी के एक एक कार्यकर्ता कमर कस लिए। कार्यकर्ता ऐसी गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे और राज्य का अगला मुख्यमंत्री माननीय सुदेश कुमार महतो जी को बनाएंगे, तभी जाकर राज्य का विकास होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नवनियुक्त नगर कमेटी गढ़वा अध्यक्ष दयाल पासवान ने कहा कि आने वाला समय आजसू पार्टी का होगा। आज पूरे राज्य में युवा वर्ग इस सरकार से ठगा महसूस कर रहे हैं। आजसू पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि हम युवाओं का कल्याण करेगी और राज्य में चौमुखी विकास होगी। झारखंड का अगला सीएम सुदेश महतो होंगे। हम लोगों को आज जो जिम्मेवारी मिली है, इसे बखूबी निभाएंगे और संघर्ष के पथ पर इस जिले में आजसू को आगे ले जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय सचिव शंकर विश्वकर्मा, केंद्रीय सचिव जयराम पासवान, नंदू ठाकुर, प्रभाकर सिंह, दशरथ चौधरी, आशीष जायसवाल, पंकज गुप्ता, राजेंद्र पासवान, गौतम शर्मा, अफजल अंसारी, हमीदुल्ला अंसारी, महिला जिला अध्यक्ष चंपा देवी, संतोष केसरी, आर के शर्मा, मुकेश गुप्ता, अनिल राम, अफजल अंसारी समेत काफी संख्या में लोग शामिल थे। अजय ठाकुर, मुकेश शाह सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।